आज का चैप्टर है विंडो एयर कंडीशनर का इंस्टॉलेशन, यानी विंडो एयर कंडीशनर को कैसे इंस्टॉल करते हैं। किसी भी कमरे में विंडो एयर कंडीशनर को फिट करते समय उसको फिट करने के लिए कुछ सावधानियां होती हैं, कुछ सिस्टम होते हैं, उसी को हम बोलते हैं इंस्टॉलेशन। यानी विंडो एयर कंडीशनर को व्यवस्थित रूप से हम किसी भी कमरे में फिट करने की क्रिया को क्या बोलते हैं, इंस्टॉल करना, या इसे हिंदी में बोलते हैं स्थापित करना। यानी विंडो एयर कंडीशनर को ऐसे स्थापित करेंगे, ठीक है। तो विंडो एयर कंडीशनर को स्थापित करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें होती हैं जिसको ध्यान रखना पड़ता है। जिस कमरे में हम एसी को इंस्टॉल करते हैं उस कमरे में यह देखना होता है कि उस कमरे की बाहरी आउटर दीवार कौन सी होती है। जो बाहरी दीवार होती है उसी पर हम विंडो एसी को फिट करते हैं। ये तो आप जानते ही होंगे कि विंडो एसी का मतलब यह है कि विंडो मतलब खिड़की, और खिड़की के रूप में ही हम एसी को इंस्टॉल करते हैं, इसलिए इसका नाम है विंडो एयर कंडीशनर। तो विंडो एयर कंडीशनर को इंस्टॉल करते समय हमेशा बाहरी दीवार का चुनाव करना चाहिए। यानी हम जिस कमरे की दीवार पर लगाते हैं जहाँ से कमरे से गर्म वायु निकलने का मार्ग आसानी से हो, यानी ऐसे दीवार पर लगाएंगे जहाँ से 5-6 फीट की दूरी पर दूसरी दीवार नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जो हमारा एसी होता है उसके दो पोजीशन होते हैं, एक जो है कि बाहरी जो पोजीशन होता है उससे गर्म वायु निकलती है जब एसी काम करता है तो, और जो अंदर होता है उससे ठंडी वायु निकलती है। तो अंदर की वायु कमरे में जाती है और बाहरी वायु वायुमंडल में जाती है। तो ऐसे दीवारों पर एसी फिट करना चाहिए जिससे गर्म वायु को आराम से जो है कि वायुमंडल में चली जाए, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। दूसरी बात यह है कि किसी भी विंडो एयर कंडीशनर को इंस्टॉल करते समय मुख्यतः यह ध्यान रखना चाहिए कि फर्श से कम 1.5 से 2 फीट की ऊंचाई होनी चाहिए जिससे वायु को विभाजित होने में दिक्कत न हो। या तो उसके ऊपर जितना चाहें आप लगा सकते हैं, और छत के ऊपर भी अगर लगाते हैं विंडो एसी को, छत के नीचे भी डायरेक्ट छत में सटा के नहीं लगाना चाहिए, कम से कम 1 से 1.5 फीट नीचे लगाना चाहिए और जिससे वायु आसानी से जो है कमरे के अंदर तक जा सके। तो एसी लगाते समय यह ध्यान रखना चाहिए। दूसरी बात, जिस दीवार पर एसी लगा रहे हैं उस दीवार पर हमेशा सूर्य के किरणों से बचा कर लगाना चाहिए। डायरेक्ट उसका सूर्य के किरण का प्रभाव एसी पर पड़ेगा तो उसको कूलिंग से प्रभावित करेगा, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। जिस कमरे में एसी लगा रहे हैं वह कमरा पूर्ण रूप से एयर टाइट होना चाहिए। एयर टाइट अर्थात कमरे पूर्ण रूप से पैक होना चाहिए जिससे कि कूलिंग एसी आसानी से कर सके। अगर कमरा खुला रहेगा तो जो ठंडी वायु होगी वो कमरे से बाहर जाएगी और बाहरी वायु कमरे के अंदर आएगी। तो हमेशा जिस कमरे में एसी लगाते हैं वो पूर्ण रूप से एयर टाइट होना चाहिए। दरवाज़ा खुले तो उसमें ऑटोमेटिक बंद होने के लिए डोर क्लोजर लगा होना चाहिए जिससे कमरा का जो वायु हो वो बाहर ना जा सके और बाहरी वायु अंदर ना आ सके। और विंडो एयर कंडीशनर को हम मुख्यतः 3 प्रकार से इंस्टॉल करते हैं। टाइम्स ऑफ इंस्टॉलेशन, विंडो एयर कंडीशनर के इंस्टॉलेशन मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है विंडो इंस्टॉलेशन, दूसरा होता है ट्रांसफर इंस्टॉलेशन, और तीसरा होता है थ्रू दीवार इंस्टॉलेशन। तो विंडो इंस्टॉलेशन किसे कहते हैं, जिस कमरे की खिड़की पर हम एसी को फिट करने का कार्य करते हैं उसे विंडो इंस्टॉलेशन कहते हैं। इस प्रकार का इंस्टॉलेशन करते समय हम खिड़की में एसी के साइज के अनुसार फ्रेम बना लेते हैं और उसमें हम एसी को फिट करने का कार्य करते हैं। तो एसी को फिट करने के लिए खिड़की पर, जैसे ये खिड़की है तो इसमें जो है कि साइज एसी के साइज के अनुसार इसमें जगह बना देते हैं और इसमें हम क्या करते हैं, एसी के आउटर, एसी जो होता है उसका आउटर कवर होता है, उसका आउटर कवर को इसके फ्रेम पर जाम कर देते हैं अंदर डाल के, और उसका इनर जो होता है एसी का आसानी से आप खींच के बाहर निकाल सकते हैं और फिर से लगा सकते हैं। तो इस क्रिया को क्या बोलते हैं, इस पर ग्रिल लगा रहेगा, इसे विंडो इंस्टॉलेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, विंडो इंस्टॉलेशन। दूसरा होता है ट्रांसफर इंस्टॉलेशन, विंडो एयर कंडीशनर का ट्रांसफर इंस्टॉलेशन उसे कहते हैं जहाँ पर खिड़की पर एसी को लगाने का स्थान सही नहीं होता है वहाँ पर ट्रांसफर इंस्टॉलेशन किया जाता है। ट्रांसफर इंस्टॉलेशन में क्या होता है कि दरवाजे की जो फ्रेम होती है उस फ्रेम के ऊपर एसी के साइज के अनुसार दीवार को कट करा देते हैं और उस पर एक लकड़ी की बीट चारों तरफ लगी होती है और इसमें आउटर कवर को जाम करते हैं और विंडो एसी को इसमें फिट करने का कार्य करते हैं। अर्थात जिस
एयर कंडीशनर को दरवाजे के ऊपर लगाया जाता है, उस एयर कंडीशनर का इंस्टॉलेशन कौन सा होगा? ट्रांसफर इंस्टॉलेशन होगा, उसे हम ट्रांसफर इंस्टॉलेशन कहेंगे। और तीसरा इंस्टॉलेशन जो होता है थ्रू दीवार इंस्टॉलेशन। थ्रू दीवार इंस्टॉलेशन जहां पर आपको एसी लगाते समय खिड़की का प्रयोग नहीं करना है, यानी खिड़की पर भी एसी नहीं लगाना है और दरवाजे के ऊपर भी नहीं लगाना है, कहीं ऐसे दीवार पर लगाना है जहाँ केवल वाल हो, यानी किसी दीवार पर एसी को लगाना है तो हम दीवार के बीचों बीच या दीवार के ऊपरी साइड में एसी के साइज के अनुसार कटिंग कराते हैं दीवार को और इसमें एसी को फिट करते हैं। इस क्रिया को बोलते हैं थ्रू दीवार इंस्टॉलेशन, यानी दीवार पर फिट किया जाता है एसी। ठीक है, तो विंडो यानी खिड़की पर जो इंस्टॉल करते हैं उसे विंडो इंस्टॉलेशन कहते हैं, दरवाजे के ऊपर जो इंस्टॉल करते हैं उसे ट्रांसफर इंस्टॉलेशन कहते हैं, और जो दीवार के बीचों बीच या दीवार के ऊपर या सेंटर में हम एसी फिट करने का कार्य करते हैं उसे थ्रू दीवार इंस्टॉलेशन कहते हैं। ठीक है, तो थ्रू दीवार इंस्टॉलेशन करते समय आपको यह ध्यान रखना पड़ता है कि जिस दीवार को काट रहे हैं उस दीवार में कोई वायरिंग की पाइप आदि ना हो, यानी ऐसे लोकेशन पर दीवार को काटना चाहिए जहां पर पहले से वायरिंग की पाइप न लगी हो। इस बात का ध्यान रख करके हम दीवार को काटते हैं और एयर कंडीशनर को फिट करने का कार्य करते हैं, यानी हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि फर्श के नज़दीक एयर कंडीशनर नहीं लगाना चाहिए। अगर फर्श के नज़दीक लगाते हैं तो आप जो भी कमरा साफ सफाई करेंगे तो उसकी गंदगी जो है कि आपके एयर कंडीशनर के अंतर्गत जाएगी, और जितना ही ऊंचा पर लगाएंगे उसकी वायु आसानी से कमरे के अंतर्गत विभाजित होगी। इसी क्रिया को इंस्टॉलेशन कहते हैं, यानी किसी भी एसी को प्रॉपर तरीके से फिट करने की क्रिया को हम एसी का इंस्टॉलेशन कहते हैं, और इन बातों का ध्यान रख करके हम एसी को फिट करने का कार्य करते हैं।